ਬੋਰਡ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ नमस्कार जी, कारपेटर शटर खोल रहे हैं, ठीक है। धुआं तो हमारी गाड़ी नहीं मारी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी हमारे इंजन ऑयल के हालात। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज हम जा रहे हैं जी प्रोजेक्ट ग्रेडे की ट्यूनिंग करवाने। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जी हमारी गाड़ी की आपको पता है पहली ट्यूनिंग है, कभी ट्यूनिंग तो हुई नहीं है इसकी। ऑयल शायद इसका चेंज करते हैं, बाकी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओके हो गई है। ये खड़ी है जी हमारी गाड़ी, अभी हमने इसके ऊपर चढ़ाया हुआ था जी फ्रेश 0 मीटर न्यू अपनी सिविक का 0 मीटर कपड़ा, ठीक है जी। अभी हम इसको वॉश वगैरह भी करवाएंगे अंदर, आप मिट्टी देख सकते हैं। अभी मैंने गंद निकाला है, अंदर बहुत मिट्टी है, ठीक है। अभी इसके हवा शवा लगवाते हैं, इसकी वायरिंग वाला काम टोटल ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। बस इसमें थोड़ा बहुत यही रह गया कि स्पीडोमीटर नहीं चल रहा, वो अभी ये क्या नाम है, अभी ये डेंटर के पास जाएगी, फिर डेंटर इसके चारों हैंडल जोड़ेगा, इसके शीशे वगैरह जोड़ेगा, ठीक है। फिर ये गाड़ी पॉलिश होगी तो फिर मैं आपको वो भी व्लॉग में दिखाऊँगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिशियन के पास जाएगी, इसकी फ्यूल गेज वगैरह सब चलेगी। और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं रोहित, ठीक है, ये हमारे साथ जाएंगे जी अभी। बाकी चेक करें जी आप माशाल्लाह गाड़ी की लुक चेक करें जी, फुल VIP लग रही है। बाकी चलते हैं जी फिर ट्यूनिंग वाले के पास। हमारा फेंडर तो ये बहुत ख़राब हो गया, ये अभी हमने गाड़ी थोड़ी सी ऊपर की है, मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। ये हमने गाड़ी अभी थोड़ी सी ऊपर की है, पहले फुल डेड थी, अभी तो एक उंगली जा रही है, लेकिन पहले एक उंगली भी नहीं जा रही थी। इस वजह से जी हमारा फेंडर ये देखें टूट गया, उस साइड का भी, उस साइड का भी, किनारियाँ सारी इसकी टूट गई हैं, डिंगी चिब्बी हो गई हैं। लेकिन इसको हम 0 मीटर करेंगे, इंजन वगैरह भी इसको हम अभी वॉश कराते हैं, ठीक है। और बस इसका यही इशू आ रहा है कि इसकी टैंकी इतनी गंदी है, टैंकी इसकी बहुत ज़्यादा गंदी है, क्योंकि इसकी टैंकी में बड़ा जंग है जी। हम सोच रहे हैं कि टैंकी भी अभी खुलवा के इसको पानी से धुलवा लें, ऐसा ही है भाई। चलते हैं जी फिर मैकेनिक के पास, मिलते हैं जी आपसे उधर ही जा। हमारे फ्रेंड आए हैं जी, हमारे दोस्त वाब आए हैं जी, ठीक है। ये इनकी K70 है जी, ठीक है। अभी हम इसकी गाड़ी डेंटर को देने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो थोड़ी बहुत डेंटिंग करें और प्रस्तर मार के। हम इस पर पेंट नहीं करते, हम इसका दिन ब दिन रैप चेंज करते हैं जी। पहले इसका रैप ये था रेड, अब हम इसके ब्लू कर रहे हैं, सेम मेरी गाड़ी जैसे इसके ऊपर रंग डाल रहे हैं जी, ठीक है। बाकी आप चेक करें जी माशाल्लाह इस गाड़ी की लुक। हमने इसके अंदर जी नया इंजन डाला है, जो इसका पहले इंजन था, जो उसका होता है ना क्या कहते हैं, क्या उड़ गया था इंजन का, क्या इसके इंजन का जी वो उड़ गया था, क्रैंक, इसके इंजन का क्रैंक उड़ गया। फिर हमने इसका पूरा इंजन लगवाया, क्रैंक आपको पता है जी इन गाड़ियों का नहीं मिलता, ठीक है। बस बाकी ओके हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। EFI इंजन है जी इसके अंदर, पहले कारपेटर इंजन था ना, पहले भी है पहले। अब इसके अंदर नॉकिंग शॉकिंग है, पहले बीम्स था जी इसके अंदर, वो इन्होंने उसके अंदर नॉकिंग नहीं होती थी, गंग गंग नहीं होती, इन्होंने गंग गंग करने की कोशिश की, तो बस जी वो क्रैन अंदर से टूट गया, तो फिर ये उड़ गई। बाकी अंदर से अभी ये रेडी हो रही है, फ्लोर मैटिंग शेडिंग हमने इसकी सारा कुछ ओके कर दी है। हम भी ऐसी सीट्स बनवाएंगे अपने लिए लेदर की रेड कलर में इंशाल्लाह इन दिनों में। बाकी डोर पैनल्स वगैरह इसके लगाने हैं, इसकी रपटे शपटे इसकी पूरी हैं। ये चैनल मेरी गाड़ी के अंदर आई नहीं, ये देखें ना इसके दरवाजे सही खुलते हैं, चेक करें, ये मेरी गाड़ी ढस करके जी बंद होती है, ठीक है। हम भी रपटे शपटे रेड़ा, फिर प्रोजेक्ट रेड़ा नाम भी तो रेड़ा ही रखा है ना। अब इसके हम प्रोजेक्ट रेड़ा की जी चैनल चैनल रपटे शपटे सब नया लेंगे, 35 से 40 हज़ार रुपये की जी हमें इसकी रपटे मिल रही हैं, ठीक है। इसकी 35 से 40 हज़ार की रपटे मिल रही है सारी, जो पुरानी रपटे थी शीशों की, जो ये वाली होती है हमारी, ये भी नहीं है, हमारी थी लेकिन हमने उनको फेंक दी क्योंकि वो बेकार थी। जब उनके ऊपर जी ज़रा सा हाथ मारो, ज़रा सी उंगली मारो, टक टूट जाती थी जी, उसको हमने खींचा दबा दिया, देशों से उतरती रही है। अभी हम ये गाड़ी देकर आते हैं जी डेंटर को, ठीक है। फिर जी फिर अपनी गाड़ी की ट्राई ये वाब लेगा, बाकी देखते हैं। यहाँ हमारे वाब साहब जी ट्राई हम आ रहे हैं गाड़ी की, हम क्लच प्लेट चेक कर रहे हैं जी, चेक करें जी आप। ओ, ओ, ओ भाई भाई आस्ता आस्ता, हमारी गाड़ी की जी व्हील अलाइनमेंट बिल्कुल फारिग है, बिल्कुल एंड है। अभी इसके हम सारे पाँच के पाँच गेयर हम चेक कर रहे हैं जी, ठीक है। फिर क्लच प्लेटों में अगर कोई नुक्स आता है तो हम देखते हैं। ये बहुत ही डेंजरस ड्राइविंग हो रही है जी हमारी, इधर बड़ा सख्त रोला है, पीछे हमारे पार्टनर भी आ रहे हैं जी, चेक करें जी। आस्ता बहुत ज़्यादा शोर है जी शीशों का, हमने फिर भी 3 नीचे कर दिए, एक रह गया।
चलें जी एक बार फिर से हम पकाते हैं जी इसको। चलें जी एक बार फिर से ठीक हो ना तो हम इसकी कटिंग करते हुए जाएं जी। गाड़ी मारी इतनी डर्ट है, ये देखिए आपका भाई किधर बैठा, फुल डर्ट भाई यार, फुल के पीछे हम जा रहे हैं। इसका इंजन है गोड़े छोड़े इसके फुल कंप्लीट है, ठीक है। क्या हुआ तो मारने तो ना पटाखे, प्रोजेक्ट रेड़ा हो पटाखे ना मारे। हाँ जी वहाँ भाई आपकी तरफ से गाड़ी फाइनल है, ओके है। चले जी इनकी तरफ से गाड़ी ओके है, ये हमारे दो आ रहे हैं जी। हाँ जी ये देखें जी हमारे इंजन ऑयल के हालात, और यहाँ सारे फुल पार्टी गा रहे हैं। इधर भाई मुँह मरो, मैंने इसको भी चीज़ खिलाई है, दिखाओ ज़रा। वो ये देखिए फुल पार्टियाँ हो रही हैं इधर, इसकी धूप बहुत तेज़ है। अभी हम गाड़ी का जी ऑयल शॉयल चेंज करा रहे हैं, क्योंकि अभी इसका इंजन हम चेक करते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है जी कि हमारी गाड़ी का इंजन उड़ गया, क्योंकि गड्डी धुआं मार रही है, क्योंकि इसमें ऑयल भी ज़्यादा था। ठीक है अभी देखते हैं, फिर आपको अच्छी खबर देते हैं कि क्या निकलती है। या तो खबर होगी जी इंजन उड़ गया, या तो खबर होगी जी इंजन ठीक है, दोनों में से एक काम होगा। लेकिन इंशाल्लाह हमने फिर भी इस गाड़ी का इंजन चेंज करना है, हम इसके अंदर EFI इंजन डालेंगे ECU के साथ फुल ट्यून, K24 नहीं, हम इसमें डालेंगे D16 इंजन EFI, ट्यून करेंगे उसको, ठा 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 पटाखे मारेंगे जी। ठीक है ऑटो शो पे हमारी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, और अभी हमने गाड़ी करनी है कम्प्लीट। ये पार्टनर मेरे साथ रहेगा अभी, ये आप ऑयल का सिर्फ और सिर्फ रंग देखें काला सिया। ऑयल गर्म है, वही गर्म है, ये ऑयल देख रहे हो ना, ऑयल ये देख रहे हो ना, समझ रहे हो। हम इसका जी कारपेटर शटर खोल रहे हैं, ठीक है। धुआं तो हमारी गाड़ी नहीं मारी अल्हम्दुलिल्लाह, इंजन हमारा ओके है जी, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह इसका इंजन स्वैप करेंगे, क्योंकि हमने इसके इंजन को ट्यून करना है। ये कारपेटर इंजन है, हमने EFI डालना है, लेकिन अभी हम इसको ऑटो शो में ऐसी हालत में ही लाएंगे, बम्बर शम्बर इसके भी हम लगवा लेंगे। ये अभी हमारे अंकल खो रहे हैं जी कारपेटर, ये देखें कारपेटर के अंदर आप संग ओए। अब इसकी सफाइयाँ करते हैं, गेयर ऑयल हमने नया डाल दी है, इंजन ऑयल भी नया डाल दिया है, फिल्टर शिल्टर हम ले आए हैं, ये पड़ा है जी हमारा नया फिल्टर, ठीक हो गया। और किधर गया जी कारपेटर स्प्रे, ये पड़ा है जी कारपेटर स्प्रे फुल फ्रेश। आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो फ़ोन पे, फ़ोन खोलो ज़रा, क्या देख रहे हो। देखा जी इसने फ़ोन बंद कर दिया है, कुछ देख रहा है। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी का पैक कर दी है, क्यों पैक कर दिया है, हमारे साथ बहुत बड़ा दुख हो गया जी, जो हमारी गाड़ी का कारपेटर है वो हमारा पूरा उड़ गया जी। ठीक है तो अब हमने यही सोचा है कि अब हम एक ही बारी थोड़ा सा आपका भाई पैसे जोड़ ले, ठीक है, तो फिर इसके ऊपर एक ही बारी हम खर्चा करें जी, इसकी रपड़े शपड़े लगवाएं सारी। बाकी जी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओवरऑल हिस्से वगैरह सब कुछ ओके, अब हम इसका इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद इसको पूरा ओके करेंगे इंशाल्लाह आपके सामने, सीटें वगैरह लगाएंगे रपड़े शपड़े करके इसको पूरा स्टिकिंग शिकिंग करा के फिर इंशाल्लाह ऑटो शो में आएंगे। अभी हम ऑटो शो में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमारी गाड़ी तैयार नहीं है, शीशे नहीं है, तो सही गाड़ी नहीं बनी हुई अभी। अभी गाड़ी बस ये है कि गाड़ी रोड पे कारपेटर शटर हमने इसका चेंज करना है बस, ठीक है। और बाकी आपके बाइक का इंजन अल्हम्दुलिल्लाह इंजन हमारा ओके है, इंजन में हमारी कोई खराबत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही है भाई। क्या खराबत है आप बताओ, कोई खराबत नहीं है, कारपेटर ख़राब है ना, वो तो एक अलग बात है, तू कह रहा पूरा इंजन ख़राब है। नहीं नहीं इंजन नहीं ख़राब, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस जगह पे मैकेनिक इतने ज़्यादा अनाड़ी हैं, बस इनको एक बार दे दो गाड़ी तो बस फिर गाड़ी को ये फारग कर देते हैं। किसी के पास जो वो कहता है जी घोड़े फारग है, किसी के पास जो जी वो कहता है इससे फारग है, किसी के पास जो वो कहता है जी ये गाड़ी पूरी फारग है, और एक के पास जो कहता है इसका इंजन से आप कर लो, और हालांकि मेरे इंजन को कुछ भी नहीं है, सिर्फ कारपेटर का मसला है। तो आज के व्लॉग को हम करते हैं जी इधर ही एंड, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।